हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट से मिठाई। यहाँ मैंने पार्ले जी के बिस्किट लिए हैं और कुछ ये दूसरे वाले बिस्किट हैं, बिना क्रीम वाले बिस्किट का हम यूज करेंगे। यहाँ हमने घी गरम कर लिया है, इसमें वन बाई वन डालते जाएंगे और सारे बिस्किट को अच्छे से सेक लेंगे। इसको घी में ही हमें तलना है सारे बिस्कुटों को, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और स्वाद आएगा। आप देख सकते हो बिस्किट का कलर चेंज हो गया है। जैसे कलर चेंज होता जाएगा, हम अपने बिस्किट को निकालते जाएंगे। सारे निकाल लेंगे ऐसे। इसी तरह जो और बिस्किट हैं उनको डालते जाएंगे। सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रिफाइंड यूज कर सकते हो। वैसे अगर आप देसी घी में बनाएंगे इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में और काफ़ी कम पैसे में हमारी ये मिठाई तैयार हो जाती है। इस तरह से सारे बिस्किट को पलटते जाएंगे और जैसे जैसे इनका कलर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हम इन्हें निकालते जाएंगे। बहुत ही गजब की हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी। आपने ये ट्रिक ऐसी कभी देखी नहीं होगी। अभी निकाल लेंगे। सारे बिस्कुट को हम इसी तरह तलना है हमको। अभी सारे बिस्किट हमने अच्छे से तल लिए हैं। यहाँ हाफ कप के करीब चीनी ऐड करेंगे और हाफ कप से थोड़ा हम पानी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। थोड़ी सी चीनी काफ़ी रहेगी क्योंकि बिस्किट में भी मिठास होती है। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब तक चीनी मेल्ट होती है हम सारे बिस्कुट को इसमें डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। काफ़ी स्मूथ हमें पेस्ट बनाना है। काफ़ी कुरकुरे हो गए हैं ये, आप देख सकते हो। अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमारी चीनी की चाशनी टाइट हो गई है पहले से। हमें देखना है एक तार की चाशनी हो, एक तार की चाशनी हो गई है। अभी हम इसमें जो हमने बिस्किट का ये पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टाइट हो गया है ये अच्छे से। अभी हम इसको गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ हम इसमें थोड़ा खोया ऐड कर देंगे। आप चाहे तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह का स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हमें थोड़ा गरम गरम ही, आप चाहे तो इसको जमा भी सकते हो इस तरह से प्रेस करके, या फिर इसके लड्डू भी बना सकते हो, ऑप्शनल है। आप देख सकते हो कितना इसमें घी निकल रहा है क्योंकि इसमें हमने खोए का भी इस्तेमाल किया है और घी में हमारे हमने बिस्कुटों को तला भी था घी के अंदर। काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार हमारी ये स्वीट डिश लगती है बिस्किट से बनी हुई। आप चाहे तो जैसे मैंने खोया डाला है आप इसकी जगह मिल्क पाउडर यूज कर सकते हो। मिल्क पाउडर से भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है इसमें। मेरे पास खोया पड़ा था इसलिए मैंने खोए का इस्तेमाल किया है। बहुत ही लाजवाब मिठाई हमारी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन रही है।
ऐसे ऐसे गोल राउंड करके सारी हम मिठाई अपनी बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जितना भी आपको पसंद है जो भी इसमें डालना है। मैंने नहीं डाला है, ऊपर थोड़ा मैं इसमें पिस्ता का यूज करूंगी। आप देख सकते हो पूरे मेरे हाथ भी घी से भर गए हैं, इतना ऑयली हो जाता है, इतना टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें बिस्किट डालते ही हमें गैस को बंद कर देना है और नीचे उतार के तुरंत दूसरे प्लेट में पलट लेना है। मावा नीचे ही हमें डालना है अगर हम मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिल्क पाउडर अगर हम डालते हैं तो उसे हमें ऊपर ही हम उसको पहले मिल्क पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम बिस्किट का पेस्ट उसमें ऐड करेंगे। मावा मतलब खोया होता है जो। इस तरह से सारे बिस्किट हम वो लड्डू हम बना लेंगे। इस तरह से पिस्ता थोड़ा थोड़ा हम इनके ऊपर सजा देंगे, इनको डेकोरेट कर देंगे अच्छे से। आप चाहे तो लगा सकते हो, ना चाहे तो कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उससे भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स ना भी लगाओगे तो भी काफ़ी टेस्टी और लाजवाब रेसिपी बनती है। ओनली 15 रुपये में हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, और 15 ही मिनट हमको इसमें लगे हैं। अगर आपको इस तरह से आप रेसिपी बनाएं और मज़े से इंजॉय कीजिए। काफ़ी सॉफ्ट और लाजवाब हमारी ये मिठाई बनती है। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, और खाने में भी ऐसी लगती है जैसे हम कोई चॉकलेट खा रहे हो। बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं, मैं घर में ज़्यादा अक्सर इन्हें बनाते रहती हूँ। आप देख सकते हो अभी मैं आपको इनको तोड़कर दिखाती हूँ। वाओ, अंदर से भी कितना गजब का टेक्सचर आया हुआ है, वो इतने टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। इसको एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से लड्डू ज़रूर बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।